बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, सब लोगों की थी, उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना था, सरकार ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद इसे लागू कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत में कुछ ना कुछ मुझे फर्क दिखता है। क्योंकि इस प्रकार विशेष सत्र बुलाया और सभी दलों की सहमति है तो इसको 6-7 सालों के बाद लागू करने का क्या तुक है, ये समझ से परे। राहुल गांधी आ रहे हैं जयपुर 23 तारीख को, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, ये पहले से उनसे टाइम मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी आएंगे और हमारे जो बूथ वर्कर्स हैं उनको हम लोग आई कार्ड्स भी देंगे, चिन्हित करेंगे, उनका एक सम्मेलन करा जाएगा और हमारी पार्टी का जो नया ऑफिस बनेगा उसका शिलान्यास भी होगा और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। अब राहुल जी पहले बांसवाड़ा गए थे, प्रियंका जी टोंक आई थी, खड़गे साहब भीलवाड़ा आए थे और अभी राहुल जी खड़गे जी दोनों जयपुर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ चुनाव की तैयारी पार्टी पूरी तरह कर रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है वो गति नहीं पकड़ पा रहा है, उसके बहुत से कारण हैं। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार और पार्टी के दम पर जो हमारा समन्वय है उसके आधार पे हमारी सरकार दोबारा बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत भयानक क्रम चल रहा है, इस पर हमें तुरंत विराम लगाना चाहिए। इसके लिए जो संभव कदम उठाने चाहिए सरकार को, समाज को, प्रशासन को उठाने चाहिए और इस प्रकार चलता रहेगा मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सर, कोचिंग माफिया आपको लगता है कि हावी है, क्योंकि प्रेशराइज का भी एक छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रेशराइज करते हैं बच्चों को? देखिए इस पे तो जैसा मुख्यमंत्री खुद अभी कोटा गए थे उन्होंने भी बोला था, हम भी जाते रहे मिलते रहते हैं, तो यहाँ पर तो काउंसलिंग के साथ साथ जांच भी होनी चाहिए कि क्या उनकी कंडीशंस ठीक है, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जो बाहर से आते हैं क्या उनको तनाव रहता है, उनको काउंसलिंग, मेडिकल हेल्प, कंसल्टिंग वो सब करनी चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार चलता रहा तो ये समाज के लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूँ और बड़ी मुझे पीड़ा होती है जब इस प्रकार के नौजवान बच्चों की मौतें होती है।